नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस विधायकों से कृषि बिल को लेकर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस विधायकों से कृषि बिल को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम ने भी इस बिल को किसान विरोधी बताया है। इससे पहले बुधवार को बिलासपुर पहुँचे सीएम भूपेश बघेल ने कृषि बिल को लेकर बीजेपी नेताओं से सवाल किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं से पूछा कि भाजपा नेता बताए क्या वे किसानों को बोनस देने के खिलाफ है, किसानों के समर्थन मूल्य के खिलाफ है। सर्वदलीय बैठक में जेसीसीजे ने की मरवाही कलेक्टर को हटाने की मांग। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरह काम करने का आरोप। मरवाही उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में जेसीसीजे ने मरवाही कलेक्टर को हटाने की मांग की। इस पर कांग्रेस और जेसीसीजे के बीच विवाद हो गया। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कलेक्टर के कामकाज को अच्छा बताया है। बता दें, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजे के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यात्रियों की मांग बढ़ी। अब 31 अक्टूबर तक चलेगी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस। दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल ट्रेन अब 31 अक्टूबर तक चलेगी। यात्री सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने इसका आदेश जारी किया है। पहले ये 30 सितंबर तक ही चलने वाली थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ट्रेन के फेरे में विस्तार कर दिया है। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत। पति के साथ बाइक से गई थी रायपुर। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष वंदना शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। देर रात जोता गांव के पास बाइक से गिरने से घायल हो गई थी। वहीं उपचार के दौरान डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अवैध शराब को लेकर विवाद। मामले में टीआई लाइन अटैच, एसआई सस्पेंड। पिथौरा एसडीओ बनाए गए जांच अधिकारी। जिले में बीती रात अवैध शराब को लेकर उपजे विवाद के बाद मामले में कोमा खान थाना प्रभारी प्रदीप मिंच को लाइन अटैच किया है। वहीं एसआई कौशल साहू निलंबित कर दिए गए है। इस मामले की जाँच के लिए पिथौरा एसडीओ को जाँच अधिकारी बनाया गया है। बता दें कि बुधवार देर शाम कोमा खाना थाना क्षेत्र के नर्रा गांव में अवैध शराब को लेकर भड़के ग्रामीणों ने थाने में पथराव किया। स्थिति को काबू करने के लिए दो थाने के पुलिस भी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू किया। वहीं आज टीआई और एसआई पर गाजगिरी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी के यहाँ से 10 किलो का गांजा बरामद किया है। तेज रफ्तार वाहन ने पिकअप को मारी टक्कर। दो जेई सहित चालक और सहायक लाइनमैन की मौत। खरसिया के छाल रोड में एक सड़क हादसे में 4 विद्युत कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में बिजली विभाग में पदस्थ 2 जेई सहित चालक व सहायक लाइनमैन शामिल है। घटना देर रात छाल रोड में भालू नारा के पास हुई। बताया जा रहा है कि हाथी प्रभावित इलाकों में शासन के निर्देश पर अवैध हुकिंग पर कार्यवाही चल रही थी। 24 घंटे में आए संक्रमण के 83,625 मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,625 मामले मिले और 80,419 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 63,07,144 हो गई है। वहीं बुधवार रात ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 52 लाख के पार हो गया। अभी कुल 52,65,142 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं बुधवार को 1,136 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 98,665 हो चुकी है। हाथरस जाने से रोकने पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है। कांग्रेस की ओर से लगातार यूपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए रवाना हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस की घटना को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर गुस्सा आता है। मेरी भी 18 साल की बेटी है। हर महिला को गुस्सा आना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कहा लिखा है कि अंतिम संस्कार परिवार के बिना हो। निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली सीमा लड़ेगी हाथरस की बेटी का केस। पीड़ित परिवार से मिलने निकली निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि हाथरस के लिए रवाना हो गई है। हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सीमा ने उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का फैसला किया है। हाथरस में वे पीड़ित परिवार से मिलने और बात करने पहुंची थी। सुशांत सिंह मामले में नई थ्योरी। बीजेपी सेक्रेटरी का दावा। 13 तारीख को सुशांत के घर गई थी रिया। मुंबई भाजपा के सेक्रेटरी विवेकानंद सिंह ने दावा
दावा किया है कि 13 तारीख की रात रिया सुशांत से मिलने उनके घर गई थी, जिसके बाद 14 तारीख को सुशांत रिया को उनके घर वापस छोड़ने गए थे। विवेकानंद का दावा है कि दोनों 13 तारीख को एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने बताया कि 13 तारीख को सुशांत और रिया साथ में थे, जिसका मेरे पास एक आई विटनेस है, उसने दोनों को 13 तारीख को साथ में देखा था। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।